आभा गोरे रंग की एक खूबसूरत लड़की थी। उसका कद लंबा, बदन सुडोल और आंखें बड़ी बड़ी व कजरारी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि उसे जो देखता उसकी ओर खींचा चला जाता। विक्रम भी पहली ही नजर में उसकी ओर खींच गया था। उन दिनों विक्रम अपने मामा के घर आया हुआ था। उसके मामा का घर पटना से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक गांव में था। विक्रम तेज तर्रार लड़का था। वह बातें भी बहुत अच्छी करता था। खूबसूरत लड़कियों को पहले तो वह अपने प्रेम जाल में फंसाता था, फिर उन्हें नौकरी दिलाने का लालच देकर हुस्न और जवानी के रसिया लोगों के सामने पेश कर पैसे कमाता था। इसी प्लान के तहत उसने आभा से मेलजोल बढ़ाया था। उस दिन जब आभा विक्रम से मिली तो बेहद उदास थी। विक्रम कई पलों तक उसके उदास चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, क्या बात है आभा, आज बड़ी उदास लग रही हो। हाँ, आभा बोली, विक्रम मैं अब आगे पढ़ नहीं पाऊंगी और अगर पढ़ नहीं पाई तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। कैसा सपना? पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना, ताकि अपने माँ बाप को गरीबी से छुटकारा दिला सकूं। बस इतनी सी बात है? तुम बस इसे इतनी सी ही बात समझते हो? और नहीं तो क्या, विक्रम बोला, तुम पढ़ लिख कर नौकरी ही तो करना चाहती हो। हाँ, वह तो तुम अब भी कर सकती हो, लेकिन भला कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी कौन देगा? मैं सिर्फ इंटर पास हूँ, आभा बोली। मैं कई सालों से पटना की एक कंपनी में काम करता हूँ, इस नाते मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में उससे बात कर सकता हूँ। तो फिर करो ना, आभा बोली। अगर तुम्हारे चलते मुझे नौकरी मिल गई तो मैं हमेशा तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। आभा विक्रम के साथ पटना आ गई थी। एक होटल के कमरे में विक्रम ने एक आदमी से मिलवाया। वह तकरीबन 45 साल का था। जब विक्रम ने उससे आभा का परिचय कराया तो वह कई पलों तक उसे घूरता रहा, फिर अपने पलंग के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। आभा ने एक नजर कुर्सी के पास खड़े विक्रम को देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गई। उसके बैठते ही विक्रम उस आदमी से बोला, सर आप आभा से जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहने के बाद विक्रम आभा को बोलने का कोई मौका दिए बिना जल्दी से कमरे से निकल गया। उसे इस तरह कमरे से जाते देख आभा पल भर को बौखलाई, फिर अपने आप को संभालते हुए तथाकथित मैनेजर को देखा। उसे अपनी ओर निहारता देख वह बोला, तुम मुझे अपने सर्टिफिकेट दिखाओ। आभा ने उसे अपने सर्टिफिकेट दिखाए। वह कुछ देर तक उन्हें देखने का दिखावा करता रहा, फिर बोला, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो बहुत कम है, इतनी कम क्वालिफिकेशन पर आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। पर विक्रम ने तो कहा था कि इस क्वालिफिकेशन पर मुझे यहाँ नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, मैं विक्रम के कहने पर तुम्हें अपनी फर्म में नौकरी दे तो दूंगा, पर बदले में तुम मुझे क्या दोगी? कहते हुए उसने अपनी नजरें आभा के खूबसूरत चेहरे पर टिका दी। मैं भला आपको क्या दे सकती हूँ? आभा उसकी आंखों के भाव से घबराते हुए बोली, दे सकती हो अगर चाहो तो। क्या? अपनी यह खूबसूरत जवानी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आभा झटके से अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, अपनी जवानी का सौदा करने नहीं। नौकरी तो तुम्हें मिलेगी, पर बदले में मुझे तुम्हारा यह खूबसूरत जिस्म चाहिए। कहता हुआ वह आदमी पलंग से उतरकर आभा के करीब आ गया। वह पल भर तक भूखी नजरों से उसे घूरता रहा, फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उस आदमी की इस हरकत से आभा पल भर को बौखलाई, फिर उसके जिस्म में गुस्से और बेइज्जती की लहर दौड़ गई। वह बोली, मुझे नौकरी चाहिए पर अपने जिस्म की कीमत पर नहीं। कहते हुए आभा दरवाजे की ओर लपकी, पर दरवाजे पर पहुंचकर उसे झटका लगा। दरवाजा बाहर से बंद था। आभा दरवाजा खोलने की कोशिश करती रही, फिर पलट कर देखा, अब यह दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं चाहूंगा। वह आदमी अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरता हुआ बोला, और मैं तब तक ऐसा नहीं चाहूंगा
जब तक तुम मुझे खुश नहीं कर दोगी। उस आदमी का यह इरादा देखकर आभा मन ही मन कांप उठी। वह डरी हुई आवाज में बोली, देखो तुम जैसा समझते हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ पर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। प्लीज दरवाजा खोलो और मुझे जाने दो। हाथ आए शिकार को मैं यूं ही कैसे जाने दूं? बुरी नजरों से आभा के उभारों को घूरता हुआ वह बोला, तुम्हारी जवानी ने मेरे बदन में आग लगा दी है और मैं जब तक तुम्हारे तन से लिपट कर यह आग नहीं बुझा लेता तुम्हें जाने नहीं दे सकता। कहते हुए वह झपट कर आगे बढ़ा, फिर आभा को अपनी बाहों में दबोच लिया। अगले ही पल वह आभा को पूरी तरह चुमस हला रहा था, साथ ही वह उसके कपड़े भी नोच रहा था। ऐसे में जब आभा का अधनंगा बदन उसके सामने आया तो वह बावला हो उठा। उसने आभा को गोद में उठाकर पलंग पर डाला, फिर उस पर सवार हो गया। आभा रोती छटपटाती रही पर उसने उसे तभी छोड़ा जब अपनी मनमानी कर ली। ऐसा होते ही वह हांफता हुआ आभा पर से उतर गया। आभा कई पलों तक उसे नफरत से घूरती रही, तूने मुझे बर्बाद कर डाला पर याद रख मैं इसकी सजा दिलाकर रहूंगी। तेरी काली करतूतों का भांडा फोड़ पुलिस के सामने करूंगी। तू मुझे सजा दिलाएगी पर मैं तुझे इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं। कहते हुए उसने झपट कर आभा की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाने लगा। आभा उसके चुंगल से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी पर थोड़ी ही देर में उसे यह एहसास हो गया कि वह उससे पार नहीं पा सकती और वह उसे गला घोंटकर मार डालेगा। ऐसा एहसास करते ही उसने अपने हाथ पैर पटकने बंद कर दिए, अपनी सांसें रोक ली और शरीर को शांत कर लिया। जब तथाकथित मैनेजर को इस बात का एहसास हुआ तो उसने आभा की गर्दन छोड़ दी और फटी फटी आंखों से आभा के शरीर को देखने लगा। उसे लगा कि आभा मर चुकी है। ऐसा लगते ही उसके चेहरे से बदहवासी और खौफ टपकने लगा। तभी दरवाजा खुला और विक्रम कमरे में आया। ऐसे में जैसे ही उसकी नजर आभा पर पड़ी उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। वह कांपती हुई आवाज में बोला, यह क्या किया आपने? इसे तो जान से मार डाला आपने। नहीं, वह आदमी डरी हुई आवाज में बोला, मैं इसे मारना नहीं चाहता था पर यह पुलिस में जाने की धमकी देने लगी तो मैंने इसका गला दबा दिया और यह मर गई। विक्रम उसे घूरता हुआ बोला, जरा सोचिए, मगर इस बात का पता होटल वालों को लगा तो वह पुलिस बुला लेंगे। पुलिस आपको पकड़कर ले जाएगी और आपको फांसी की सजा होगी। नहीं, वह आदमी डरी हुई आवाज में बोला, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वह तो तभी होगा जब चुपचाप इस लाश को ठिकाने लगा दिया जाए। तो लगाओ, वह आदमी बोला, यह इतना आसान नहीं है। कहते हुए विक्रम की आंखों में लालच की चमक उभरी। इसमें पुलिस में फंसने का खतरा है और कोई यह खतरा यूं ही नहीं लेता। फिर कीमत लगेगी इसकी। कितनी? 5 लाख। 5 लाख? यह तो बहुत ज्यादा रकम है, आपकी जान से ज्यादा तो नहीं? विक्रम बोला, और अगर आपको कीमत ज्यादा लग रही है तो आप खुद इसे ठिकाने लगा दीजिए, मैं तो चला। कहते हुए विक्रम दरवाजे की ओर बढ़ा। अरे नहीं, वह हड़बड़ाते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा पर इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होगा। डोंट वरी, विक्रम ने पल भर सोचा फिर हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, कर लूंगा पर पैसे? काम होते ही पैसे मिल जाएंगे पर याद रखिए अगर धोखा देने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस के पास चला जाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहते हुए वह कमरे से निकल गया। इधर वह कमरे से निकला और उधर उसने बेसुध पड़ी आभा को देखा। वह उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोच ही रहा था कि आभा उठ बैठी। अपने सामने आभा को खड़ी देख विक्रम की आंखें हैरानी से फटती चली गई। उसके मुंह से हैरत भरी आवाज फूटी, आभा तुम जिंदा हो? हाँ, आभा बोली, पर अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। तुम भोली भाली लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जिस्म के सौदागरों को सौंपते हो। मैं तुम्हारी यह करतूत लोगों को बतलाऊंगी, तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी।
आभा का यह रूप देखकर पहले तो विक्रम बौखलाया, फिर उसके सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, ऐसा मत करना। क्यों ना करूं मैं ऐसा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और कहते हो कि मैं ऐसा ना करूं? क्योंकि तुम्हारे ऐसा ना करने से मेरे हाथ एक मोटी रकम लगेगी, जिसमें से आधी रकम मैं तुम्हें दे दूंगा। मतलब? विक्रम ने उसे पूरी बात बताई। सच कह रहे हो तुम? बिल्कुल, अपनी बात से तुम पलट तो नहीं जाओगे? ऐसे में तुम बेशक पुलिस में मेरी शिकायत कर देना। अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ऐसा करूंगी? तीसरे दिन आभा के हाथ में 2.5 लाख की मोटी रकम विक्रम ने लाकर रख दी। उसने एक चमकती नजर इन नोटों पर डाली, फिर विक्रम की आंखों में जागते हुए बोली, अगर दोबारा कोई ऐसा ही मोटा मुर्गा फंसे तो मुझसे कहना, मैं फिर से यह सब करने को तैयार हो जाऊंगी। कहते हुए आभा मुस्कुराई। जरूर, कहते हुए विक्रम के होठों पर भी एक दिल फरेब मुस्कान खिल उठी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।